तो भाइयों कल गए थे हम शिव मंदिर, हमने फाइनली ढूंढ ही लिया था पोखरा के अंदर शिव मंदिर। उसके बाद हमने करी मार्केट एक्सप्लोर। भाई कल 200 किलोमीटर एक्सट्रीम राइड करने के बाद मैं बहुत थक चुका था, तो रूम में आके डिनर करने के बाद मैं सो गया। उसके बाद आज हम लोग हुए लेट नाइट, लेट मॉर्निंग में उठे हम, क्योंकि क्योंकि आज हमें पूरे दिन कुछ करना नहीं था इसलिए हम लेट उठे थे। तो उसके बाद हमने आज इनसे ऑर्डर करके बनवाए आलू के परांठे, और हम आ चुके हैं अपने डाइनिंग एरिया के अंदर, और हमने लिए साथ में आलू के परांठे, दही और पिकल्स। तो हम इसे ढंग से खाने वाले हैं। उसके बाद अभी कोई प्लान नहीं है, आज हम पूरे दिन फ्री हैं, तो पोखरा को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी लोकल मार्केट में घूमेंगे आज। तो अभी तो जाके अभी सो गए थे हम, सुबह उठे हमने ब्रेकफास्ट करा, उसके बाद सो गए, उसके बाद हमने अब परांठे ऑर्डर मंगाए लंच के अंदर। अभी ये लंच करते हैं और उसके बाद हम घूमेंगे। अभी आगे भी कोई मेरे को सीन नहीं पता क्या करेंगे, सो भी सकते हैं, उसके बाद हम घूमेंगे। तो फटाफट इसे खाते हैं, फिनिश करते हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई मैंने तो खा लिया परांठे आलू के, भाई सही थे परांठे, बट हमारे से बिल्कुल डिफरेंट थे। भाई हमारे यहाँ स्टफिंग होती है पूरी बढ़िया तरीके से स्टफ करके रहते हैं, बट यहाँ पे कम थे, बट स्वाद थे बढ़िया थे, कि मतलब हमने अपना पेट भर लिया, यहाँ पे लंच कर लिया है। और बाकी मेरे सारे लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं अभी लंच, और ये देखिए सब बैठा हुआ हमारा पूरा ग्रुप और खा रहे आलू के परांठे। अब देखते हैं क्या करते हैं, अभी बताएंगे राहुल भाई, ये सोते हैं या मार्केट जाते हैं, तो आगे देखते हैं, लेट्स सी। तो भाई हम सब आ गए हैं मार्केट पोखरा के माल रोड पे, माल रोड जैसा ही है, मतलब अच्छी मार्केट है, फीवा लेक के बिल्कुल सामने है मार्केट। तो हम शॉपिंग करने पूरी, हमारे साथ जितने मेंबर्स आए हैं वो सब आए हैं, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ परचेज़ करना है। तो देखते हैं हम क्या लेते हैं। वैसे मुझे तो सालेग्राम लेने हैं। सालेग्राम में आपको बताता हूँ क्या होते हैं, विष्णु जी का एक स्वरूप होता है, ब्लैक कलर का स्टोन होता है, उसे सालेग्राम कहते हैं। वो कई तरीके के आते हैं, जो ओरिजिनल है वो यहीं पर मुक्ति धाम मंदिर के पास ही पाए जाते हैं, और पोखरा में भी मिल ईज़िली मिल जाते हैं, पोखरा के अंदर भी नेपाल में, क्योंकि यहाँ पर एक काली गंडकी नदी है, वहाँ से ही सालेग्राम निकलते हैं, और उन पर किसी पर विष्णु चिन्ह बना होता है, किसी पर नरसिंह भगवान बने होते हैं, तो हमें वही लेने हैं। और हमें मुक्तिनाथ तो हमने देखे थे, बट हम वहाँ छोड़ आए, हम ले नहीं पाए वहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर मार्केट में वही सर्च करने आए हैं कि हम ले जाने हैं, क्योंकि घर वालों ने बोला कि भाई वो लेकर ज़रूर आने। तो देख रहे हैं भाई पूरी मार्केट एक्सप्लोर करते हैं कहाँ पे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि उसमें भी ओरिजिनलिटी और डुप्लीकेट का भी डिफरेंट हो जाता है। तो देखते हैं पूरी मार्केट में सर्च करते हैं जहाँ से बेस्ट मिलेंगे, हम वहाँ से परचेज़ करके ज़रूर घर के लिए लेकर जाएंगे। तो चलते हैं मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। और 1500 भाई इस तरीके के होते हैं, बट हमें इस टाइप के नहीं चाहिए, हमें खुलने वाले चाहिए। खुलने वाले हैं भाई आपके पास जो खुलते हैं विष्णु जिसमें शाह? 1800 गए नेपाली। देखो भाई इस टाइप के होते हैं जो हम सर्च कर रहे हैं, इसे कहते हैं सालेग्राम। देखो भाई ये है, इस टाइप के होते हैं, देखते हैं भाई। भाई इस टाइप की बहुत बढ़िया मार्केट है यार, बहुत सुंदर मार्केट है पोखरा की। भाई सब सामान ढूंढ रहे हैं यार, बट अभी सालेग्राम मिले नहीं है जैसे हमें चाहिए, अच्छे वाले बढ़िया वाले। बाकी मार्केट बहुत अच्छी है, देखो यार बिल्कुल फी वाले एक के बिल्कुल सामने है मार्केट, बहुत सुंदर मार्केट है यार। और यहाँ पे लॉन्स क्लब सब इसी रोड पे बने हुए हैं, बढ़िया बढ़िया होटल्स हैं, रेस्टो हैं, लॉन्स हैं, बार हैं, क्लब हैं। रात को तो अलग ही नज़ारा हो जाता है इस रोड का भाई, बिल्कुल अलग नज़ारा, बढ़िया एकदम। देखो भाई पोखरा की मार्केट, इधर इस लाइन में सारे क्लब लॉन्चेस बार बने हुए हैं, रेस्टो बने हुए हैं, बेस्ट बेस्ट, बहुत बढ़िया यार रहता है रोड पूरा, और मार्केट भी बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत बढ़िया मार्केट है यार, मज़ा ही आ रहा है। मतलब मौसम भी एक बढ़िया हो रहा है, और चल रहे हैं हम धीरे धीरे, शॉपिंग भी कर रहे हैं। बाकी भाई यहाँ से मैं आपको बताना भूल गया कि जो हम मुक्ति धाम गए थे वहाँ से चीन 100 किलोमीटर रह जाता है, वहीं से तिब्बत पास में है, तिब्बत पूरा, तो यहाँ पर इसका बॉर्डर है, एंड हो जाता है नेपाल।
मुक्ति धाम के पास जहाँ पे हम गए थे लास्ट एपिसोड, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने पूरा मुक्ति धाम दिखाया है। तो वहाँ पर उससे 100 किलोमीटर तिब्बत रह जाता है भाई, चीन बॉर्डर है, नेपाल भी ख़त्म हो जाता है वहीं पर। ये वाले कितने कितने हैं? 500 इसकी भी आ रही है प्राइस। वो 1500 की है, वो नहीं खुलने वाले। देखो भाई यार, इतने सुंदर बर्ड हैं, मुझे नहीं पता है कौन सा बर्ड है भाई। बगुले हैं, बगुले बगुले मनीष बता रहा है कि ये बगुले हैं भाई। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यार बैठे पे। देखो कितने सारे हैं भाई, बहुत सारे। देखो भाई कितने सारे आए हैं, और इनके घोंसले बने हुए, देखो कितने सारे इन्होंने अपने घोंसले बना रखे हैं सबने। देखो यार भाई, अब हम आ गए हैं फीवा लेक के पास। देखें अम्बे भवानी की पूजन हो रहा है इस टाइम फीवा लेक के बिल्कुल पास, और यहाँ पे बोटिंग चल रही है। यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए आरती देखने आए हैं सारे इस टाइम। बिहारी लाल भाई हमने ताल बाराई माता की आरती देखी, और बहुत मज़ा आया आरती देखकर हमें, बहुत ही बढ़िया मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा हमें ताल बाराई माता की आरती देखकर। और मतलब एक दिल को शांति से मिलती यार आरती देखकर ना, तो बहुत अच्छा लगा, हम सब ने आरती देखी। तो ताल बाराई माता की जय हो। यहाँ पे नेपाली डांस चल रहा है, नेपाली डांस परफॉर्मेंस हो रही है भाई। यहाँ से सालेग्राम ले ही लिए, मिल गए भाई ढूंढ के। तो देखिए हमने सालेग्राम भगवान ले लिए हैं, और हमने हरिहर रूप में लिए हैं, हरिहर रूप में भाई। तो सालेग्राम मैंने आपको बताया था, जो सालेग्राम है ना वो काली गंडकी नदी से आते हैं, जो कि मुक्तिनाथ बाबा मंदिर से ऊपर से एक काली गंडकी आ रही है, जो कि चीन से होते हुए आ रही है। तो चीन से ये पत्थर आते हैं, तो इसमें से बीच में हरिहर होते हैं, असली असली जो सालेग्राम है वो यहाँ ही होते हैं। तो हमने ले लिए हरिहर रूप में लिए भगवान, जय हो भगवान की। तो भाई आज बन रही है मैगी, और हम खुद बनाएंगे। क्यों रेखा आंटी, क्या बना रहे हो? मैगी मैगी। रेखा आंटी लाई है अपने घर से मैगी, और साथ में लाई है केटल, इलेक्ट्रिक केटल।
तो रेखा आंटी पूरी प्रिपरेशन के साथ घर से आई हैं भाई, सब सामान लेकर आई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या रेखा आंटी लेकर आई हैं, कैसे बन रही है मैगी। तो देखिए, ये है ऑनियन और ये केटल के अंदर रेखा आंटी ने डाली है मैगी जो कि बॉइल्ड होगी इस केटल के अंदर। देखिए ये गई हमारी इसके अंदर पहले से मैगी मसाला रेखा आंटी इसमें डाल चुकी हैं। और ये एक और पैकेट अब रेखा आंटी ने खोला है और ये अब दोबारा से एक पैकेट और डाल रही है। तो एक टाइम में रेखा आंटी कितनी मैगी बन सकती है इसके अंदर? इसके अंदर चार बन जाती है। एक साथ में रेखा आंटी कह रही है चार पैकेट्स मैगी एक साथ में बनाएंगी। और देखो ये लकड़ी का भी ये लेकर आई है चलाने के लिए। देखो पूरा मतलब फुल प्रिपरेशन के साथ आई है रेखा आंटी, मतलब कोई टेंशन नहीं है। जब भूख लगे दो मिनट में मैगी बनाओ और खाओ पेट भर के। सही बात है रेखा आंटी। हां जी, बच्चों का तो ख्याल रखना ही था। देखो हमारे बच्चे कितना ख्याल रखती है आपके साथ जाते हुए ऐसी आंटी। देखो हमारे साथ कितने अच्छे अच्छे लोग आते हैं जो हमारा ख्याल भी रखते हैं। देख लो ये देखो एक पैकेट और गया इसके अंदर। तो भाई मैगी बनने वाली, यार फेवरेट है मेरी मैगी। और पता है आपको वैसे भी ऐसे हिल स्टेशन में जाके मैगी खाने का अलग ही स्वाद और अलग ही मज़ा आता है। तो हम झट से मैगी खाएंगे यार, बनाते हैं बस दो मिनट में बन जाएगी मैगी और उसके बाद लपेटेंगे मैगी को। यार ढंग से लपेटने वाले हैं यार मैगी को रेखा आंटी के साथ। और साथ में इधर बन रही है भेल पूड़ी, तो एक वो आंटी बना रही है भेल पूड़ी, तो भाई साथ में खाएंगे भेल पूड़ी यार मज़े से। भाई बन चुकी है हमारी मैगी और एक आंटी ने बनाई है, टेस्ट करते हैं भाई कैसी बनी है। भाई एक नंबर बनाई है, बढ़िया चटपटी एकदम भाई, सब बिल्कुल एकदम भाई खाते हैं मस्त से।